वहीं बीजेपी ने आंवला लोकसभा सीट से धर्मेंद्र कश्यप पर तीसरी बार भरोसा जताया। सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से आपकी बार 3 लाख वोटों से जीतकर लोकसभा में परचम लहराने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का भी आभार जताया। बस एक बार भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र कश्यप जी को मैदान में उतारा है, किस तरीके की रणनीति है, क्या रूपरेखा बना रखी है चुनाव को लेकर? कश्यप जी, पहले तो स्वागत है जनाने टीवी में आपका। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहिए। तो उन्होंने मुझ पर तीसरी बार भरोसा करने का काम किया और हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी नारा दिया है, तीसरी बार 3 लाख पार। तो निश्चित तौर पर जनता के भरोसे, विकास के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर हम 3 लाख पार करेंगे, जीत करके लोकसभा में जाएंगे। 3 बार लोकसभा में जीतने का दावा किया, जिस तरीके से 3 लाख वोटों का बताया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आने वाले समय में क्या क्या रूप बदलता है चुनाव को लेकर, एक सवाल आपके और मेरे पास धर्मेंद्र जी, अब आगे कितने जो विकास कार्य हुए उसको लेकर बताइए थोड़ा सा। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, सन 1980 के बाद इस क्षेत्र में कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी थी। आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मेरे यहाँ तमाम उद्योग धंधे लगना शुरू हो गए। मेरे तातागंज में HPCL की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है, कई पुल बने हैं, आपका लाल फटक का पुल बना है, पीताम्बर का ओवर ब्रिज स्वीकृत हो गया, फतेहगंज का स्वीकृत हो गया, कैलाशगिरी मणि का पुल बन गया, और नगरिया खनु का पुल बन गया। जो विकास कर रहे हैं उनको फिर आगे पूरा करने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। आगे जो विकास कार्य रह गए उनको पूरा करने का जो कार्य है वो कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ प्रवीण कुमार अनाली टीम।